हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने करवा चौथ एंड वेडिंग स्पेशल ना बैंगल सीरीज शुरू करी थी। करवा चौथ स्पेशल हो गया है तो मैंने सोचा इसको कंटिन्यू करूंगी। मैंने वेडिंग सीरीज शुरू करी है, आज है डे 8। तो मैंने आपको बता दूं कौन कौन से बैंगल्स मुझे कितने लगेंगे। ये मोटे वाले कंगन लगने थे 2 एंड ये 8 बैंगल्स लगनी थी बीट्स वाली एंड वाइन कलर की, टोटल 6 एंड मोती वाली ये लगाऊंगी टोटल 4 एंड ये वेलवेट के बैंगल्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, आगे भी आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ना मैंने बैंगल्स का ना सेट बनाना शुरू कर दिया है। आपको लास्ट तक जरूर देखना है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं इसको वाइन कलर का बना रही हूँ सेट, थोड़ा सा ना अलग हाईलाइट के लिए बॉर्डर एंड प्लेन बेस दूंगी। अगर आपको किसी भी कलर कॉम्बिनेशन का ये कंट्रास्ट का सेट बनवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो लेकर आऊंगी। इससे पहले मैं अपनी आपकी रिक्वेस्ट पर ना वीडियो लेकर आई हूँ कलर कॉम्बिनेशन एंड कंट्रास्ट की, तो आपने नहीं देखी तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड मैंने ना चूड़े भी बताए हैं, देख सकते हो इस तरीके से कुछ मेरा सेट बना है। आप इस तरीके से भी पहन सकते हैं, मगर आप वीडियो को लास्ट तक देखना। जो और बैंगल्स है वो मैं कहां पर लगाऊंगी एंड कंगन का भी बताऊंगी, आप किस तरीके से 2-3 पैटर्न बताऊंगी कंगन के, आप कहां कहां लगा सकते हैं कंगन को। ठीक, अगर आपने मेरी चूड़े वाली वीडियो नहीं देखी कि मैंने दुल्हन चूड़ा ब्राइडल चूड़ा भी बनाया है एंड न्यू पैटर्न का बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो सबका आपको लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं इस तरीके के बैंगल्स के रिगार्डिंग ना आपको ना मेरे चैनल पर हमेशा कंटेंट मिलता रहेगा। अगर आप ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं और आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्प होती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, राइट साइड एक बेल आइकन है उसे हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो लेकर आऊं ना वो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड आपको किसी कलर कॉम्बिनेशन या कंट्रास्ट की सेट बनवाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर भी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी। देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने ये लगाया है एंड उसके बाद मैं आपको बता दूं इस तरीके से आपको कंगन लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हो, अगर आपको बॉर्डर में क्रिएट करना है तो बॉर्डर में क्रिएट कर सकते हो। इससे ना हैवी पैटर्न हो जाएगा एंड बीच में ना हल्का हल्का सा पैटर्न हो जाएगा, ऐसे करके भी बहुत अच्छा सेट लगेगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं लगाना तो आप क्या करना, इसे निकाल के दोनों कड़ों को आपको बीच में बस एक बैंगल्स लगा लेना है मोटा वाला कंगन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।